सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, मैं आपको आज एग्जैक्ट बात बताने वाला हूं, जो भी प्रोसेस हुई है, जो बात निकल कर आई है, और हमने आज जो दिन भर हमने जो जानने की कोशिश की है, और उसमें जो कितनी गुंजाइश है और क्या क्या उसमें जो कहा गया है, वो हम सारी आपको बताने वाले हैं। साथियों, हम आज सुबह भोपाल आए, और आने के बाद हम DPI में गए और ट्रैवल में गए, और क्योंकि आप सबको पता है कि प्रयोगशाला के पद और पहली काउंसलिंग के बचे हुए 525 पद जो कि ट्रैवल के प्राथमिक शिक्षक के पद थे, वो वाले पद, और साथ में 1696 पद जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी होनी है, और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी उसका आदेश आया हुआ है। लगभग एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है, और एक महीने से कम का है जो समय बचा है, तो बाकी उसको लेकर हमने सारी अपडेट लेने की कोशिश की है, पूरी जानकारी ली है, और साथ में दिव्यांगों के जो पद हैं जो अभी तक नहीं भरे गए हैं, जिसमें फर्जीवाड़ा जो हुआ था उसमें जो पद खाली हुए हैं उनको लेकर भी। तो साथियों, हमने पूरे दिन की मशक्क़त के बाद हमने एक गुंजाइश निकाली और हमने पूरी तरीके से जानकारी अपडेट की। तो साथियों, आप वो बताते कि जो 525 पद हैं वो कौन से पद हैं। तो पहली काउंसलिंग के जो बचे हुए पद थे 525, ट्राइबल के प्राथमिक शिक्षक के पद थे, जो कि जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी वो वाले पद थे, उन्हें एक बार और भी मौका दिया गया था। लेकिन उन पदों का मैटर क्या है, क्या वो पद सभी कैटेगरी के हैं, क्या वो पद अभी तक पूरी तरीके से भरे जा चुके हैं, या उसका मैटर क्या है, या उसके ट्रैवल के पद हैं, वो ट्रैवल में उसके क्या ST वर्ग के सभी पद हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो पद हैं वो सभी कैटेगरी के पद हैं, और वो पद प्राथमिक शिक्षक के रोस्टर के हिसाब से भरे जा सकते हैं। और हम आपको बताते हैं कि हमने ये जानकारी कहाँ से ली है और किस तरीके से जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक, हम वो सब बताने वाले हैं आपको। और रही बात 1696 पदों की, तो उसके लिए हमने आज ट्रैवल में, क्योंकि पूरा जो काम है वो ट्रैवल से होना है, और DPI ने आज तक क्यों नहीं की ट्रैवल के पदों की वो 1696 वाली बात, तो वो भी हमको समझनी है। तो 1696 पदों का जो प्रयोगशाला के पदों का जो मैटर है, वो DPI विभाग नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो उसका एक आदेश भी आया था, उसमें लिखा हुआ था कि प्रयोगशाला की जो योग्यता है वो बिल्कुल अलग है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उसमें जो अभी जो चल रहा है उसमें मैथ वालों को लेंगे, या बायोलॉजी वालों को लेंगे, या फिर दोनों को लेंगे। तो DPI का ये कहना था कि इसकी योग्यता अलग है, इसका मैटर अलग है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन है वो DPI के अनुसार ही, जो योग्यता उसकी रखी गई है उसके अनुसार ही ट्रैवल विभाग ने पूरी कोशिश की है, नियम पुस्तिका के उनकी जो योग्यता के अनुसार जो योग्यता प्रयोगशाला में होनी चाहिए उसको लेकर, और हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भर्ती प्रक्रिया, जिससे जहाँ से रोस्टर बनता है और जहाँ से भर्ती प्रक्रिया चालू होती है ट्रैवल की, हमने वहाँ से पता किया, मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन जो पूरा दामोदार होता है, पूरी पूरी जो जिम्मेदारी होती है, पूरी पूरी जो शेड्यूल बनाया जाता है ट्रैवल विभाग के पदों का, वहाँ से हमने अपडेट किया उन महान व्यक्ति से जो वहाँ सारी चीज़ें इसको अपग्रेड करते हैं, उस चीज़ को अपडेट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो साथियों, इस समय 1696 पद प्लस 525 पद, उन पदों का सारांश ये निकल कर आया कि 525 जो पद बचे हैं वो किस कैटेगरी के कितने पद हैं, इसके लिए रोस्टर एक बार बनाया जाएगा और इस हिसाब से वो क्लियर की जाएगी। दूसरी बात, जो 1696 पद हैं वो सभी कैटेगरी के हैं, और वो जो पद हैं वो चुनाव के बाद ही उसकी प्रोसेस चालू हो सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें देखने को मिल सकता है। अब तीसरी बात ये है कि जो अटकी हुई प्रोसेस है, आखिरकार ये रुकी क्यों? तो रुकने का सबसे बड़ा कारण था कि इसकी जो योग्यता थी वो बिल्कुल भिन्न है, और अभी जो रूल बुक उसकी आनी है, क्योंकि उसके किस रूल बुक के आधार पर करा जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त के बाद BEd को भी अमान किया गया है, और प्रयोगशाला में मैथ वालों को लेंगे या ओनली विज्ञान वालों को लेंगे, इसको लेकर भी किया गया है। और हमने आज बिल्कुल ऑथेंटिक चर्चा की है, हमने उस व्यक्ति से बात की है जो इस सभी प्रकार का रोस्टर जारी करते हैं, जो मैं सर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो सर मतलब प्रमुख हैं। अब ऐसे नहीं कह सकते कि जो कमिश्नर होते हैं उन पे तो
और आप देखेंगे जैसे डीपीआई में भी कमिश्नर है, ट्रैवल में भी कमिश्नर है, तो उन पे भी कई विभाग बटे होते हैं। अतिथि शिक्षकों का और अनुकंपा नियुक्तियों का काफ़ी कुछ विभाग बटे रहते हैं, ऐसे ही ट्रैवल में भी विभाग बटे रहते हैं। लेकिन जो शिक्षा विभाग ट्रैवल में देखते हैं, हमने उनसे चर्चा की है, उन्होंने प्रॉपरली सारी चीज़ बताई हुई है कि जो 1696 पदों की प्रक्रिया होनी है। लेकिन हम 15-20 दिन से नियम पुस्तिका के लिए जो डीपीआई चाहता है, जो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जो डीपीआई चाहता है उस हिसाब से हमने सारी रूल बुक कि हमें जो जानकारी मांगी हमने सारी बल्लभ भवन को भेजी गई है। अब वहाँ से जो नियम पुस्तिका बनकर आएगी उसी के अनुसार ही भर्ती होगी, ये कन्फर्म हो गया भर्ती होगी। लेकिन अब हमको सोचने वाली बात यह है, जो खुशी मना रहे हों कि हमारा प्रयोगशाला में हो जाएगा, तो अभी कुछ भी हो सकता है। पता है कैसे? क्योंकि जो प्रयोगशाला के पद हैं उसमें नाम रिपीट भी हो सकते हैं, जो पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है या कुछ कारण से रह गए हैं, तो विभाग इतनी चालाकी कर सकता है, इतना धोखा अभ्यर्थियों के साथ कर सकता है। इसलिए हमको हर टाइम सजग रहना है, इसीलिए मैं सजग रहता हूँ। कितनी भी कोई सपोर्ट भी ना मिले, फिर भी मैं इस चीज़ को और 525 पद 1696 साथ में दिव्यांगों के पद, जो फर्जी दिव्यांग पाए गए थे उसके बाद जो खाली हुए थे। आज मैंने ट्रैवल में एक अच्छी चीज़ और भी देखी थी कि जो दिव्यांगों के जो पद हैं उस पर लेकर काफ़ी मैंने लेटर्स देखे थे, जो कि दिव्यांगों जो फर्जी वाले एक एक चुन चुन करके उनको हटाया जा रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हटाया जा रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है ट्रैवल में। तो धीरे धीरे उनके जो पद खाली होंगे उनको भी भरा जाए, इसके लिए पूरी कोशिश करें। तो साथियों मेन चीज़ यही है कि रूल बुक जो है जारी होगी, उसके बाद ही सारी प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, क्या योग्यता रखी जाएगी, क्या ओनली विज्ञान को लिया जाएगा, क्या मैथ और साइंस दोनों को लिया जाएगा, ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी। और एक और मैटर जो कि सब सोच रहे थे कि जो 2028 जो पद हैं जो दिसंबर 2024 तक भरने थे, कि उसका क्या मैटर है, तो वो पदों को बिल्कुल नहीं भरा जाएगा, वो पद सिर्फ ट्रैवल के हैं, वो सिर्फ ट्रैवल के एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के हैं, ट्रैवल के एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को वो पद मिलने वाले हैं, बाकी किसी कैटेगरी को वो पद नहीं है। तो वो सब अपने मन से निकाल दें जो सोच रहे थे कि 2028 पद हैं वो हमारे काम आएंगे, हम सभी कैटेगरी वालों को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एसटी वर्ग के पद हैं, वो सिर्फ एसटी वर्ग को ही मिलने वाले हैं। तो वो तो मैटर अलग, वो कैसे भरते हैं उनकी प्रक्रिया, लेकिन 1696 होना बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, कोई विसंगति ना हो, नाम रिपीट ना हो। अभी आने वाली रूल बुक तय करेगी कि इसमें मैथ वालों को लिया जाएगा या मैथ साइंस दोनों को लिया जाएगा, ये आने वाली जो नियम पुस्तक है वो तय करेगी। साथ में जो ये भी कन्फर्म हुआ है कि जो 525 पद बचे हुए हैं उनमें भी अब किस कैटेगरी के कितने, ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। हो सकता है एसटी वर्ग के ज़्यादा हो सकता है किसी और के भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों ये चीज़ थी, हम निरंतर प्रयास किया, हमने डीपीआई में भी उस चीज़ को अवगत कराया और ट्रैवल में भी, आखिरकार कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष की ज़रूर सफलता की ओर बढ़ रही है चीज़ें, लेकिन संघर्ष अभी बहुत बाकी है। नाम रिपीट जैसी चीज़ें ना हो, कोई विसंगति ना हो, और भी चीज़ें। साथियों मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, मैं नहीं चाहता कि सभी को आंसू डाल के रोना पड़े, मैं नहीं चाहता, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं एक अलग कंडीशन में बोल रहा हूँ ये चीज़ें। हाँ, अगर आपके हित में भी चीज़ें रहीं तब भी आपको ज़मीन स्तर पर काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा एक बार को नानी याद आ जाएगी। इतना आसान नहीं है जॉब लेना अभी इस कंडीशन में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जो खुशी मना के बैठ गए कि 2 महीने के 3 महीने के आदेश आते हैं हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट से आदेश आते हैं और उनका पालन सरकार द्वारा तुरंत कर लिया जाता है, तुरंत प्रोसेस चालू कर दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए काफ़ी कुछ जंग लड़नी पड़ती है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। साथियों मेरा उद्देश्य शुरू से रहा है और हम कर भी रहे हैं कि जो हो वो प्रोसेस अच्छी हो, सबका भला हो, सबको सफलता मिले, लेकिन संघर्ष जारी रखना है तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था जिस तरीके से, तो कोई वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी दूसरे तरीके से सपोर्ट किया जाता है, वहाँ आदमी धन मन धन तो नहीं लग रहा, वहाँ पे सिर्फ धन लग रहा है दबा के, वहाँ पे उस चीज़ को करते हैं, कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, कुछ ना कुछ बेस भी होना चाहिए उसका। लेकिन जहाँ पे फिज़िकली हम जो मेहनत कर रहे हैं, फिज़िकली जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें तो लगता है, आप सबको पता है, लेकिन वहाँ नहीं। लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि मैंने तो शुरुआत से ये मुद्दे को बहुत जुनून के साथ बरकरार रखा है और बरकरार हम अभी रखे भी हैं। जब तक सफलता की प्राप्ति नहीं हो जाती हम रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, हम हारते और थकते तो बिल्कुल नहीं हैं।
क्योंकि मैंने हर वो चीज़ देखी है, हर वो व्यक्ति का साथ देखा है जो कि अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमताएं और अपनी औकात दिखाई देता है। तो हम तो बस इसी उद्देश्य के साथ हैं कि हम सफलता प्राप्ति तक पूरा करेंगे और कोई भी विसंगति है वो गवर्नमेंट का जो विभाग है उनको बिल्कुल नहीं करने देंगे, शिक्षा विभाग जो गलतियाँ करता है। तो गलतियों के लिए सबको सजग रहना है, सबको एक्टिव रहना है और सबको दम लगानी है, ठीक है। बाकी और मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी जो भी रहेगा हमने आपको सारा कुछ अवगत करा दिया है, ठीक है। हमारे कुछ एक दो साथी भी आए जिन्होंने हमारे साथ दिया, बाकी जो भी रहे अब देखते हैं, ठीक है साथियों, धन्यवाद।